इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेट यूजेबल स्पेस की मीन्स एक फुल प्लॉट की जिसमें कि कंस्ट्रक्शन कम है, फुल प्लॉट पे नहीं है, तो उस केस में हम सेंटर किसको माने, हम फुल प्लॉट के सेंटर को माने उसके हिसाब से डायरेक्शंस निकालें, या फिर जो जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम उसको माने, उसका सेंटर निकालें और उस पर डायरेक्शंस हम प्लॉट करें। सो इसमें हम ये कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे कि फुल प्लॉट को कंसिडर करना है या फिर नेट यूजेबल स्पेस को कंसिडर करना है, और या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस जिसमें हमें दोनों को कंसिडर करना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक प्लॉट के लिए। ये फुल प्लॉट है जैसे आप देख रहे हैं इसमें, इस कंप्लीट फिगर में, कि ये एक प्रॉपर प्लॉट है और इसमें जो नेट कंस्ट्रक्शन होगा, जो नेट यूजेबल स्पेस होगा, ऑल्दो ये पूरा यूजेबल है, मगर इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो छत डलेगी, जो कंक्रीट डलेगा, वो सिर्फ इतने ही पार्ट में डलेगा। तो इस केस में हमें क्या कैसे डायरेक्शंस कंसिडर करनी चाहिए, क्या हमें सिर्फ इस पार्ट के लिए डायरेक्शंस कंसिडर करनी चाहिए या फिर फुल प्लॉट के लिए डायरेक्शंस को कंसिडर करना चाहिए। सो जो भी एक्टिविटीज़ इस नेट यूजेबल स्पेस में होंगी, क्या हम उनको एज पर फुल प्लॉट डायरेक्शंस के हिसाब से माने या फिर इसके लिए अलग निकालें और इसके लिए अलग, तो क्या चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। तो इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले एक फुल मैप लेते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ें मेंशन है, मींस आपका प्लॉट भी मेंशन है और इसमें आपका नेट यूजेबल स्पेस की जो ड्राइंग्स हैं वो भी मेंशन है। जब ये हमें हमारे पास आता है उसके बाद हम इसके फुल प्लॉट की डायरेक्शंस को सबसे पहले निकालेंगे। फुल प्लॉट की जो कंपास सीडिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, नेट यूजेबल स्पेस को लें चाहे आप फुल प्लॉट को लें, तो कंपास सीडिंग में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। इसके बाद बात आती है अब डायरेक्शंस निकालने की, डायरेक्शंस मार्किंग की और सेंटर की। सबसे पहले हम फुल प्लॉट पे काम करते हैं क्योंकि नेट यूजेबल स्पेस के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ड्रेनेजेस, कुछ पिट्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर देने होते हैं, मीन्स फुल प्लॉट के हिसाब से देने होते हैं। उसकी वजह से, उसके एंट्रेंस की वजह से, उन प्लॉट्स की वजह से या उन पिट्स की वजह से हमें फुल प्लॉट को सबसे पहले कंसिडर करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फुल प्लॉट का प्लान ले लेंगे जिसमें कि नेट यूजेबल स्पेस भी मेंशन है और इसका सेंटर लेंगे। अब सेंटर तो सिंपल है कि इसमें हमने जो अदर वीडियोस हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि सेंटर हम किस तरीके से लेते हैं। फुल प्लॉट को आप इस पॉइंट से एक सेंटर क्रिएट करें और यहाँ पे इस पॉइंट तक एक सेंटर क्रिएट करें और इसका एक फुल प्लॉट का सेंटर आने के बाद अब इसकी डायरेक्शंस निकालें। अभी हम भूल गए हैं कि बीच में भी कंस्ट्रक्शन होना है, सिंपल एक प्लॉट को कंसिडर करें और उसकी ही डायरेक्शंस निकालें, उसका ही सेंटर लें। इतना करने के बाद जब हमारे पास डायरेक्शंस आ जाएंगे फुल प्लॉट की, तो हम इसमें जो डायरेक्शंस आई हैं उसमें जितने भी चीज़ें इस नेट यूजेबल स्पेस के बाहर होंगी वो हम फुल प्लॉट के मैप के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। अब ये हमारा मेन घर है और इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि सेप्टिक टैंक बनना है, जैसे कि समर सिविल प्लान हो रहा है, जैसे कि गार्डन प्लान हो रहा है, वो सब इसमें तो प्लान नहीं होगा ऑब्वियसली, वो सब प्लॉट में प्लान होगा। जो फुल प्लॉट है उसकी जो लैंड है उसमें प्लान होगा। अब जो भी चीज़ें अभी मेंशन की है मैंने, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स हैं, समरसिबल्स हैं, गार्डन है, एंट्री है, जो मेन एंट्री है, वो सब हमें फुल प्लॉट के हिसाब से देखनी है, वो सब हमें इसके हिसाब से कंसिडर करनी है, और जो मेन कंस्ट्रक्शन होगा वो हमें इस मैप के हिसाब से देखनी है। तो इसका ये कंक्लूजन निकला कि हमें दो मैप बनाने होंगे, दो मैप, पहला फुल प्लॉट का जिसमें कि हम ये चीज़ें देखेंगे जैसे कि टैंक्स और गार्डन, मेन एंट्रेंस, और उसके बाद इस प्लान का जिसमें कि हम मेन कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि मेन कंस्ट्रक्शन में जो घर अंदर बनेगा, जो रूम्स, वॉशरूम्स, किचन, ये सब चीज़ें अंदर बनेंगी, वो सब हमें इस प्लान के हिसाब से देखने, ना कि फुल प्लॉट के हिसाब से। अब इसमें एक पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये है कि अगर ये एरिया, ये जो प्लॉट है, 25% से ज़्यादा ओपन है तो हम इसको अलग से कंसिडर करेंगे। अगर ये 25% से कम ओपन है, मींस अगर ये लाइन हम यहाँ पे होती, मतलब प्लॉट हमारा इतना ही होता और हमें साइड से कुछ कुछ फुट जगह छोड़ी है, तो हम फुल प्लॉट को ही लेते और उसके हिसाब से ही सारा डायरेक्शंस देखते, अंदर के मेन कंस्ट्रक्शन की भी और साइड की जो जगह हमने छोड़ी है उसके लिए भी। मगर अभी ऐसा नहीं है, अभी ये जो एरिया है 25% से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें, या इससे भी ज़्यादा अगर हो, इससे ज़्यादा बड़ा और प्लॉट हो, या लेंथ में, विड्थ में बड़ा हो, तब भी हम दो मैप्स को कंसिडर करेंगे, एक फुल प्लान को, एक फुल प्लॉट के प्लान को और एक मेन कंस्ट्रक्शन के प्लान को। अब जो भी चीज़ें इस मेन कंस्ट्रक्शन के प्लान में आएंगी, जैसे कि रूम्स सपोज करते हैं, यहाँ पे हमें रूम्स प्लान करना है, इधर वॉशरूम प्लान करना है, इधर किचन प्लान करनी है, इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो प्लान करनी है, बाकी जितनी भी चीज़ें अंदर एक्टिविटीज़ जो भी होंगी सारी, वो सब हमें इस मेन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखना है, ना कि इस पूरे
पूरे के पूरे प्लॉट के हिसाब से। इस पूरे प्लॉट के हिसाब से सिर्फ हमें कुछ चीज़ें ही देखनी होती हैं, जैसे कि पीछे अगर हम कोई भी टैंक ले रहे हैं वो, आगे कोई भी टैंक ले रहे हैं वो सब, गार्डन ले रहे हैं वो, और जो पार्किंग रहेगी मेन एंट्रेंस के बाद वो सब, और जो मेन डोर की मेन एंट्रेंस होगी इस पूरे घर में, इस पूरे प्लॉट में आने की वो। तो ये सारी चीज़ें हम फुल प्लॉट के हिसाब से कंसिडर करते हैं हमेशा। और जब हम इस मेन कंस्ट्रक्शन के अंदर एंटर करेंगे तो इसकी जो एंट्रेंस होगी वो इस प्लान, इस मेन कंस्ट्रक्शन प्लान है, इसके हिसाब से हमें चेक करनी है, ना कि फुल प्लान के हिसाब से। तो इस केस में आप दो प्लान्स को हमेशा बनाएं। और अगर कन्फ्यूजन तब भी है कि अगर ये एरिया 25% या 30% है और उसमें भी आपको कन्फ्यूजन है कि क्या हमें वो ओपन एरिया को कंसिडर करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नया घर बन रहा है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर पुराना घर है या ऑलरेडी चीज़ें हैं उसमें, तो आप उस केस में भी दो बनाइए, मेन कंस्ट्रक्शन को बनाइए और फुल प्लान को बनाइए, जिसमें भी प्रॉब्लम्स मैच हो आप उसे कंसिडर करिए उस केस में। बट ये केस तब एप्लीकेबल है जब आप उस घर में ऑलरेडी रह रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें आ रही हैं लाइफ में। अगर नया बन रहा है, नए बनने के हिसाब से हमेशा हमें फिर फुल प्लान को लेना चाहिए, अगर ये एरिया ओपन स्पेस एरिया 25% से कम है तो। अगर ज़्यादा है तो ऑलवेज गो फॉर टू मैप्स, एक मेन कंस्ट्रक्शन प्लान और एक फुल प्लॉट प्लान।